स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय माता दी। दोस्तों मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं आप लोगों को वोकैबुलरी क्लासेस भी पढ़ाऊंगा। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर फेसिंग प्रॉब्लम एट स्पेलिंग, दे डोंट नो हाउ टू राइट करेक्ट स्पेलिंग। सो आज मेरी पहली क्लास में के साइलेंट होता है, हमें के का प्रोनंसिएशन नहीं करना है लेकिन उसे स्पेलिंग में लिखना है। सो फर्स्ट वर्ड हमारे पास है नैक, के एन ए सी के। ओके दोस्तों, जब भी एन के पहले के आता है तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं, ओके दोस्तों, कोई भी वर्ड हो हमारा। अभी मैं आप लोगों को 8-10 एग्जांपल्स बताऊंगा, एन के पहले जो भी के आएगा हम उसका प्रोनंसिएशन नहीं करेंगे। ओके दोस्तों, लेकिन वो स्पेलिंग में लिखा जाएगा। अब देखते हैं, फर्स्ट है हमारा नैक। नैक मीन्स क्या होता है दोस्तों? आदत। ओके, अब यहां हमें देखना है कि यहां हमें एन मिला और एन से पहले हमें क्या मिला? के। तो के का प्रोनंसिएशन हमें नहीं करना है, जो हमारा प्रोनंसिएशन होगा ये एन ए से हो जाएगा, ठीक है ना? एन ए सी के, नैक मीन्स आदत। तो दोस्तों इसमें हम एक सेंटेंस भी बना लेते हैं, आई हैव गुड नैक, मेरे पास एक अच्छी आदत है। दोस्तों दूसरा सेंटेंस है हमारा के एन आई जी एच टी। ओके, एन के पहले के आता है तो के साइलेंट होता है, एन के पहले के आ गए तो के साइलेंट हो जाएगा और हम यहां कहां से पढ़ेंगे? एन आई जी एच टी। नाइट मीन्स होता है सूरवीर या बलवान, यदि हम इस नाइट को लिखें एन आई जी एच टी तो इसका मतलब हो जाएगा रात, लेकिन यहां के इज साइलेंट और इसका मतलब क्या हो गया? सूरवीर। नाउ यू कैन मेक द सेंटेंसेस, इसमें एक सेंटेंस बनाइए। तो क्या करेंगे? My brother is a knight person in Delhi. यानी मेरा ब्रदर दिल्ली में एक सूरवीर है। ओके दोस्तों, नाउ थर्ड सेंटेंस इज knock, K N O C K, knock। यहां K साइलेंट क्योंकि ये N से पहले आया हुआ है तो हमारा प्रोनंसिएशन यहीं से हो जाएगा, N U N K N O C K। प्रोनंसिएशन कहां से होगा? N O C K। नॉक मींस क्या होता है दोस्तों? खटखटाना। अब इसमें हम सेंटेंसेस बना दे रहे हैं, ओ मम्मा समवन इज नॉकिंग द डोर आउटसाइड। ओके दोस्तों, नाउ थर्ड सेंटेंस इज नॉलेज, नॉलेज मीन्स क्या होता है? ज्ञान। यानी एन के पहले के आ गया तो हम के का प्रोनंसिएशन नहीं करेंगे, सीधे हम एन ओ से कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया नॉलेज, के इज साइलेंट, नॉलेज मीन्स ज्ञान। अब इसको हम एक हिंदी सेंटेंस का कुछ वर्ड बनाते हैं, तो आप बताएंगे माय फादर हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड जैपनीज। ओके दोस्तों, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो। फिर से हमें एन से पहले क्या मिल गया? के, तो के विल बी साइलेंट। नो मीन्स क्या होता है? जानना। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है नो। ओके दोस्तों, तो हम इसे क्या करेंगे? एक सेंटेंस बनाते हैं, आई नो एवरीथिंग अबाउट यू। दोस्तों यदि घर में प्रैक्टिस करनी है ना आपको, तो सबसे अच्छा तरीका जैसे मैंने नो लिखा है तो इसे बार बार लिखिए, के एन ओ डब्ल्यू, नो।
फिर लिखिए के एन ओ डब्ल्यू नो, फिर लिखिए के एन ओ डब्ल्यू नो। ओके दोस्तों, यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम स्पेलिंग्स की हैं तो ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है के एन आई डबल टी आई एन जी, निटिंग। निटिंग मीन्स क्या होता है? बुनना। तो यहां आई एन जी लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? बुन रहा है। फिर से के पहले, सॉरी एन के पहले क्या आ गया? के, तो के विल बी साइलेंट, तो डायरेक्ट एन से पढ़ा जाएगा ये निटिंग। निटिंग मीन्स बुन रहा है। तो आप एक सेंटेंस बना लीजिए, ओ माय मदर इज अ निटिंग ए स्वेटर नाउ डेज फॉर मी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका नॉट, के एन ओ टी। नॉट मीन्स क्या होता है दोस्तों? गांठ। ओके, एन के पहले क्या आया? के, तो के इज साइलेंट, तो हम क्या पढ़ेंगे? नॉट। ओके दोस्तों, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस के एन ई डब्ल्यू, नो ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, सेकेंड फॉर्म। नो मीन्स जाना था या जान गया था, तो इसलिए हम सेंटेंसेस बनाते हैं न्यू में, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट यू लास्ट ईयर। ओके दोस्तों, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस आपका के एन आई एफ ई, एन के पहले के आ गया तो के साइलेंट रहेगा और डायरेक्ट यहां से पढ़ा जाएगा नाइफ। नाइफ मीन्स क्या होता है? चाकू। ओके, तो यहां एक सेंटेंस बना लीजिए, आई वॉन्ट टू परचेज ए नाइफ फॉर माई मदर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है नकल, एन के पहले क्या आ गया? के, इसलिए क्या हो जाएगा? ये साइलेंट हो जाएगा। नकल, नकल मीन्स क्या होता है? जोड़। ओके दोस्तों, ये थे के कुछ साइलेंट वर्ड्स जिसे आपको घर में प्रैक्टिस करना है। ये मेरी वोकैबुलरी की पहली क्लास थी दोस्तों। मैं आगे आने वाले आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। इफ यू हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एट राइटिंग इन स्पेलिंग, डेफिनेटली इट विल बी सॉल्व। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय माता दी।